इधर जैसे ही रेखा ने इंदल की चोरी की है और सुआ बनाकर रेखा तो इंदल को लेकर वलख बुखारे के लिए चली गई, इधर जैसे ही नाव को खाली देखा है तो उदल के होश उड़ गए और मछला भाभी के पैर पकड़ के उदल बोला, भाभी गजब हो गया, आज हो सब बंद उदल के हुई गए लीली पेट जात नायलार। और इंदल गायब भव गंगा पे कैसे मुख दिखावे जाए, और पूछे आला जब उदल को तब का दिए जवाब सुनाए, और मुड़ मार दो गंगा जी पे उदल छोड़ दई डिडकार। और गोद को छैया मछला बतखो में गंगा पे दो तो गमाए, मछला उदल दोनों रोबे लकी बंधत गंगा पे जाए। और गंगा में दो तो डरवाए, पर मिलो न छैया आला बालू सबरे कर मल मल पछताए। ओ मछला रोबे गंगा जी पे मर्दो सुनियो यार ज हमारे, और हाय मेरे छैया कुमर कन्हैया मैया गैया सी बिलखाए। सबैया मेला न ढूंढबाओ ढूंढे न मिले पर ना लाल, और माहिल आए तब उदल ते ऐसे कई मही पतिराए, काय को रोबो देवे बाले हम आलाप दिए समझाए। सत के बीच श्री भगवान और उदल को ले माहिल चल दे पहुंचे महुबे के मैदान, घोड़ी कबूतर ले माहिल और रंगला में पहुंचो जाए। खबर करी आलाते चुगला उरही के सरदार, और भारी गजब भव गंगा पे उदल मारे पर ना लाल। एकदम उदास मन से माहिल ने जवाब दिया, आला गंगा स्नान करते वक्त तुम्हारे भैया उदल ने तुम्हारे लड़के इंदल को मौत के घाट उतार दिया, मछला ने जब इनकार किया तो उसे फटकार कर मछला को शांत कर दिया। नौजवानों जब ये सुना है आंखों में लहू के कतरे लेकर आला बोला, मामा ए कही सो कहलैया बना कही हो चुगला जी बदाबे मोहजा, और काय को दोष दे तू भैया को नैया कौन लगावे पाए। राम रूठ जाए दुनिया रूठ है चाहे सब रूठ है कुटुंब परिवार, पर भैया उदल सोना मिले माहिल सुन ले अर्ज हमारे। एकदम माहिल कहने लगा, अगर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है तो उदल को बुला और उसे ये पूछो कि इंदल कहां है। नौजवानों कहने सुनने से दीवाने भी चल जाती हैं। आला ने जब उदल को बुलाया, उदल इंदल कहां है, सो रोकर उदल आला के पैर पकड़ के बोले, भैया और पैर पकड़ के मंडली कहे बोले आज उदय सिंह लाल, और
भारी गजब भो गंगा पे खोई दे अरे परे ना लागी। और सबैया मेला में ढुड़बाओ ढूंढे न मिलो परे ना लाली। मुझे एक महीना की मोहलत दे दो हम इंदल को दिए मिला। कती क्या जाने मारो लाला हमारी। और पांच लहरिया आला लेके मारन लगे कनौजी दारी। इधर तो आला उधर को मार रहे हैं, उधर लाखन भी अपने दोस्त के गम में कन्नौज में शेषक रहे हैं लोगों। इधर क्या हुआ और पाई तो मारा चुटिया जाबे एड़ी न खाल झूल रह जाई। और उठे पिचक्का जब लोहू के बोटी उड़त मा सकी जाई। पर धन निरसंति देवे बाले मुख से हाय कही ना राम। और जेठो भैया बाप बरोबरी उदल नीचे कुनार झुकाई। इधर जब देवे मछला और उदल की रानी फुलबा ने ये सुना तो ये सबे रोते हुए आला के पास पहुंचे। और देवे ने अपने जेठे लड़का आला की कलाई पकड़ी और जवाब दो बेटा मर जाए तेरिया मिल जाए पुत्र बहुत हुई है संसार। पर कोखी को बीरन या बनाए मिली है याल हाया कल गई बोराई। और बहुत तक समझायो देवे ने मानन मंडली कयो तार। और मछला रानी ने आगे बढ़ के सैया के चरण गहे अकुल्यारी। स्वामी जो कायम है इंदल फेर ले वे उतार। और उदल भैया जो मर जावे तो मुँह कहाँ दिखाई हो जाई। आंखों में खून के कतरे लेकर आला कहने लगे औरी नादान अब हम समझ गए कि उदल से तेरा प्यार कैसा है। और नजर लगी है तेरी उदल सोता सोई इंदल दो मरवाई। और रोए कि मछला बोलन लागी प्रीतम पैया परे तुम्हारी। और पाप की बातें अब ना करियो उदल धर्म को लला हमारी। और इंदल खोई गौ गंगा जी पे सैया साची दई बताई। कहने लगा चाहे कुछ भी हो मछला लेकिन हम इससे आस्तीन के सांप को वो सजा देंगे जिससे सुनकर मौत भी दहल जाएगी। और क्या किया आला ने ले चला तो बुलाया आला ने और उदल को लौरे बंधवारी। और सघन बनी में मारो उदल जाके नैना लियो निकारी। और नैना कले जाले उदल के मेरी नजर गुजारो आई। और हाथ बांध ले अब पीछे खुले जल्ला दब चले सिधारी। और रानी मछला मंडली कती अपनो दो तो न लखा हारी। और जियत छोड़ियो मेरे दिवरा को मरियो न मेरे दिवरा को जाई। जू पैस
ऐसा करे सरग मेला ओले जल्ला द गए बेहर में इंदल को जत उड़ रह जाई चारों तरफ ये जल्लाद देखते भी जाते हैं कहीं आला का लड़का अगर जंगल में मिल जाए तो हम उदल को छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों मछला की बातें जब याद आई तो जल्लादों ने उदल को छोड़ दिया और एक हिरन को मार के बाकी नैन और कलेजा दोनों निकाल लिए। और नैन कलेजा ले हिरन आके दयालहा की नजर गुजारी और उदल चलो गो बेहड़ ते पहुंचो सिरसा के मैदानी। इत खबरे हो गई सब महुबे में के मारे गए उदय सिंह लाले और रैयत रोवे परमाले की अब हम कौन भार में जाए और झुके साहिबी पिथी राज की तब हरे कौन बचाई है जाए और बिना लोहरवा के खेतन में को पिरथी के घटावे माने और रैयत रोबे पर माले की कोई रंदे भात न खाई। भैया होन हार बलबान में कछु और हुई गौ है यार होन हार बलबान में कछु और हुई गौ है छुआ हुई गौ है राठौर होनी है बलवान में कछुआ रऊ हुई गौ है आप। मेरे नौजवान साथियों इधर जैसे ही जंगल में से निकलकर उदल सिरसा में पहुंचा है दरवाजे पर खड़ा हो गया और पहरेदारों से जाकर कहा भैया जाकर मलखान से कह दो कि तुम्हारा छोटा भैया उदल दरवाजे पर खड़ा है। आज विपत्ति भावई सब पे पड़ गई मरदो सब सताए दो जाए और भैरति भावई घर घर डोले जाने किन्हें दगा दे जाए और सोई भावई अब उदल पे और सिरसा में परी ठुराए खड़ो कन्हैया दिवला वालो और पाटिक पैरो निहारी और उत दरबानी गौ मलिखे ते ऐसे कही ती द्वार ते जाए उदल ठाड़े दरवाजे पे फाटक या जुरैत खुलवाई तब तचिक मलखे बोला न लागे दरबानी ते कही थी सुनाई गए एक जा दिन आई है दिवला बालू फाटक तू दिन करी है पारी कोड़ा न खाले उड़ाबो पापा जी को दियो रे भगाल और है बह रुपिया का उद्देश्य को पहुंचो सिरसा के मैदानी नौजवानों इधर तो उदल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही द्वारपाल लौट कर आया है उदल ने जवाब दिया भैया फाटक खोलो तो द्वारपाल अंदर से क्या बोला और नाई हुकुम वे सिरसा पत को फाटक बंद दौर करवाए रोए के उदल लौटन लागे लाइन रबर की सीधा लगाए और हिलकी भर भर रोवे जर जर अपनी छोड़ छोड़ डकार
और नरबरगढ़ के मैदानन में पहुंचे सिंह लोहरवा भाई। और कुआ पे चर्चाया जो पनिहारी ऐसे लख लख रही थी कराई। जैसे आपत्तियों से खेलता हुआ उदल अपनी ससुराल नरवर में पहुंचा है और कुआ पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी, रोकर उदल बोला। रोए के उदल बोला न लागे और सखियन ते कही सुना। हम पांच दिन के अब प्यासे बहना पानी दिए पिवाई। देख आलियत न रही उदल की सखियां सोच सोच रह जाए। और मालूम पड़ते हमें जियरा में है जे सिंह उदय सिंह लाली। और तन के कपड़ा फटे उदल के अब जू शरम शरम रह जाए। और एक दिन आए ते नरवर में छकड़न मोहरे दई गमाए। और आज के दिन कुएं से आए पैसा एक पास है नाए। एक दिन आए ते मोहरम में अपनी बांध ढाल तलवार। और आज के दिन कुएं से आए ना है पास बेंदुला बारी। खबर पहुंच गई मकरंदी पे पहुंचो फाटक पर जब आए। और लो पहचानी अरे उदल को गह के भोजा पकड़ लो जाई। और उदल को महलन ले पहुंचो एकदम भोजन करे तैयार। और भाई रसोई जब आंगन में बैठो धवलम होवे क्या। और पहलो इग्रास लो तो उदल रे आंखन बहती नीर की धार। और रानी बैठी मोती मलकी तब उदल ते कही सुनाई। तुम्हें कसम है गंगा जी की ओ, तुम्हें कसम है गंगा जी की बेटा सांची दियो बताए। कैसे रोबो तुम नरवर में ओ देवे के राजकुमार। उदल बोलन लागे मैया पैया परे तुम्हारी। और गंगा करन गए स्नान जो इंदल कुंज मिलो अब नाए। खोई गौ लड़का मंडली को आल्हा दे सत दौ निकार। कन्हैया बाबज जी को जन का बिलख बिलख रह जाए। और जो हम भोजन मैया करनी तो मेरे कुले दाग लग जाए। और जो लो मिले नहीं दल छैया पानी हम पीवन के ना। और मोती मलकी आज रानी ने रच दो हवन मठी में जाए। नौजवानों उदल को सांत्वना देकर उदल की सास बोली बेटा भोजन करो और मैं जाकर शारदा देवी के मंदिर में पूजा करके ये पूछती हूँ कि आखिर इंदल कहाँ है। तो जाकर जैसे ही उदल की सास ने हवन किया है तो शारदा क्या बोली। सुन ले रानी मोती मलकी का है सोवत में दौरी जगाए। तब रोई की मैया बोलन लागी जननी पन्या परे तुम्हारे।
कूदल रोवत है आंगन में निकई हिंदल को दियो बताए। बोली महारानी की बिटिया सुन ले यार जा हमार कहे ए बलख बुखारे में नली काबुल देश सिंधु के पारी। और ले गई बिटिया अभिनंदन की सुना करके रही रे बिरवाई और टंगोटिया राहू नल बिलख की लप चोच खटा को खाई। बेटा सांची दई बताए और जुगिया बन के तुम अब जइयो काबुल देश सिंधु के पार। पलख बुखारे में ये नल है चित्र रेखा के दरबार और ब्याही बजी है इंदल सिंह की रेखा सोच सोच रह जाए। साथियों उदल को यह पता लग गया कि इंदल बलख बुखारे में है और इधर ढेबा को बुलाकर मछलानी महोबे में जवाब दिया तुम उदल का पता लगाओ। तो ढेबा उदल का पता करता हुआ जब नरबर में पहुंचा है अब मकरंद उदल और ढेबा ये तीनों योगी बनकर बलख बुखारे के लिए चले जहां पर आला का लड़का मंडली जो अभिनंदन की लड़की चित्ररेखा से सुआ बनाकर पिंजड़ा में लटकाई हुई थी। आज तीनों योगी वहां से चल दे बलख बुखारे की सीध लगाए और रात दिना की मंजिल करके ऐसे धुरो दवाए लो जाए। रेखा बिटिया अभिनंदन की अटा पे इंदल सो रही बतराए। और पुड़िया लेके जादू वाली ओ पुड़िया लेके जादू वाली आज सुना पे दई थी चलाए और मानुस कर लो है इंदल को रेखा मंद मंद मुस्कियाए। हंस के रेखा बोलन लागी परम सने पिया हमार। सासु के छैया ओ बोलो बोलो सास के छैया मेरे प्राण पिया भरतार। तब रोए की इंदल बोलन लागे मेरी सुनो पद्मिनी नार। जोखम खबर होए महुबे में चाचा बांधिया में तलवार। ऊंची गढ़िया नीची करे गदहन हल्दी है चलवाए। ऊंचे गुर्जन पे जो तो मैं ऊंचे
गुर्जन पे जो तोपे पल में नीचे दिए गिराए, हम है लड़का बना फरन के जिनकी छटी धरी तलवार, दासों बिटिया कही मान ले मोय महुबे को दे पठवाए। तब रोई की रेखा बोलन लागी, स्वामी पैया पर तुम्हारी, और बहुत दिन न में भेंट भई है, प्रीतम बिछुरन सहु न जाई। और बनाए के दुलहिन मोइले चलियो, देव सासुल के पैर पुजाई, और तन में इंदल मन में इंदल, हाय इंदल में बसत पिरानी। सोचे मन अपने में हुई तो गई गजब की बात, और कौन पाप प्रभु हमने की, नहीं पड़ गए फंद मेहरिया क्या। और पीर बहोरन फुलबा चाची, कोई नहीं अपनो परत दिखाई, नगर महोबो मेरो छुटी गऊ चचा उदय सिंह लाली। और सुनबा मैया दिबला अया, छूटो महुबे कोरे परिवार, और टंगो पियरा इंदल बिलखे अपनी छोड़ी छोड़ी डिडकारी। इधर तो नौजवानो इंदल और रेखा का वार्तालाप चल रहा है, इधर उदल मकरंद और ढेबा योगी बनकर जब बलख बुखारे में पहुंचे हैं, नृत्य करते हुए ये जब द्वारपाजे पर पहुंचे हैं, तो द्वारपाल ने इन्हें साधारण योगी समझकर फाटक खोल दिया। राजा अभिनंदन की सभा में इन्होंने नृत्य किया। राजा अभिनंदन ने जवाब दिया कि मेरी रेखा लड़की है जो आंगन से बाहर नहीं निकलती, और मेरी लड़की के आंगन में जाकर मेरी लालसा है कि तुम नृत्य करो। उदल मकरंद ढेबा तीनों पहुंचे रेखा के रे दरबार गए, ए अब तो देखो तो इंदल ने लो पहचान उदय सिंह लाल। रेखा बोली बैरागिन से बाबा नाच दियो दिखला, और बजे मजीरा अब ढेबा के मकरंद रजत खंजरी जाई। और बजे बसुरिया उदय सिंह की नाचत देश राज के लाल, और इंदल सोचे मन अपने में कागत हुई गई चचा हमारी। इधर जब बहुत ही सुंदर नृत्य देखा है रेखा ने, सोचा मैं अपने प्रीतम को भी नृत्य दिखा दूं, तो जादू की पुड़िया लेकर रेखा ने जब सुआ से इंदल को पुनः मानुष बनाया है, और जवाब दिया सैया और ऐसे योगी आंगन आए ऐसे लखे आज तक ना आए, और नाच देख ले बैरागिन को प्रीतम जन्म सफल हुई जाई। तब तेगा लेके इंदल छैया और रेखा ते कही सुनाए, और जल्दी पर्दा रेखा कर ले आए गौ बंस बना फरखियारी। और काहे को रेखा पागल हुई गई का तेरी परी अकल बेगारी, और नए बैरागी चचा हमारो ठाड़ो उदय सिंह बलवानी। और ठाड़ो देखो उदय सिंह को रेखा पर दालो करवाए,
और रोए की बोली है उदल से चाचा पन्ना परे तुम्हारे हम नाव तुम्हारी पे बैठी है बेड़ा खेल लगाइयो पार और हंस के उदल बोलन लागे बिटिया सुन ले अर्ज हमारे और तुम लौटाई दे इंदल को हम तेरे लिए भमरिया डारे और लाल बराइत सज के आई है बा महुबे से अरे सरदार और भोरिन भोरिन तेगा बजी है ता दिन लिए भमरिया डारे और गंगा खाई ती यूदल ने बाही अट्टा के मैदान तो सुआ बना इंदल छैया को और पिंजड़ा में दो घुसाए एक जादू की पुड़िया लेकर रेखा ने उदल को दी और जवाब दिया चाचा जी जैसे ही मेरे गांव की सीन से बाहर निकलो वैसे ही इस पुड़िया को मेरे हृदय सम्राट को सुंगा देना ये पुनः मानुष बन जाएंगे लेकिन तुम्हें मेरे प्यार की कसम है और एक महीना को बादा है चाचा लियो भमरिया डाल और जो न आबो मेरे आंगन में तो हम पेट फार मर जाए और गंगा कर दई ती यूदल ने बाही अट्टा केर मैदान कर और इंदल छैया कुमर कन्हैया को जब पिंजरा लौठाए और तीनों योगी वहां से निकले लई महुबे की सीध लगाए और जैसे ही निकले मैदानन में इंदल मानुस लौ बनाए सुरजन चेतन समय अवनी को आयो है औरे ओ सुरजन चेतन समय अवनी को आयो है नी को आयो है समय अवनी को आयो है औरे ओ सुरजन चेतन समय अवनी को आयो है इधर मेरे नौजवान साथियों जैसे इंदल को शुआ से पुनः मनुष्य बनाया है उदल कहने लगे बेटा इंदल अब तुम लौट कर महोबे में जाओ पूरा परिवार परेशान है इंदल कहने लगे चाचा जी तुम नहीं चलोगे तो उदल आंखों में आंसू लेकर बोला बेटा इंदल मेरा तो महोबा हमेशा हमेशा के लिए छूट चुका है मैं शरीर से लौट कर महोबे में नहीं जाऊँगा और तुम्हें मेरे प्यार की कसम है इंदल तुम जाकर महोबे में ये मत कहना कि हमें चाचा उदल बलख बुखारे से छुटा कर लाए हैं तुम बरात लेकर बलख बुखारे में आना और तुझे मेरे प्यार की कसम है मैं तुझे बलख बुखारे मिलूंगा लेकिन ये बात आल्हा को मत बताना कि उदल जिंदा है नौजवानों इंदल तो जब पहुंचा है महोबे में और उदल अपनी ससुराल में मकरंद के साथ पहुंच गया नरवर में इधर क्या हुआ जैसे ही इंदल महोबे में पहुंचा है चारों तरफ महोबे में तहलका मच गया कि इंदल जिंदा है ये मछला मैया के आंगन में जब इंदल पहुंचा है तो हुआ क्या आज इंदल पहुंचे दसपुरवा में और जहाँ पे बैठी मछल दे माए नब के चरण छुए ते जननी के और जनिए से कही ती सुनाए अरे काय को जननी ना पुस होई गई मोय गोदिया में लिए री उठाए तब रोय के मछला बोलन लागी दर्जा मंडली के लाल तेरे पीछे दिवरु हमारो मेरे पीता बने दो तुम्हारा वाय
पराया बनाए मिलिए तो से होते पुत्र हजार रोई के मछला अब आंगन में। और इंदल ते कही थी सुनाए डर जा मेरे आंगन से अपनो मुख दिखाइए अनाए। सोई मने आई गई थी इंदल के के जननिया को देवे बताए और याद आई गई तब उदल की चाचन नाइया दैती कराए रोए की इंदल बांसे चल दे और वाल हाथे पहुंच आए जाए। और सूरत देखी अति अब बेटा की गद्दी पे मूड़ मार भैराए तेरे पीछे कुमर हमारे उदल मैंने दो तुमरवाए। फट जा धरती तू जा आंगन सब दुख लेके जावे समाए। कटारी तीरे आला नहीं और हृदय पे लई ती जमा है और पेट फार के हम मर जावे आते गुदिया देह में लटकाई। देवा छैया जल मजलैया बहिया गहिती ददा किया जाए और रोई ते दादा कछु नए बंधिए हिम्मत बांधो बिर नहीं। अब लाल बराई दिको सज बाबो बलख बुखारे को करो तैयारी हम एक महीना को वादा करके और इंदल को लाए लिवाई। आला बोलन लागे देवा सुन ले अरज हमारी हो तो उदलिया जो घर में तो सब जीत ले तो करवाई।